हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज हम बात करेंगे एल्टी स्पाइस ट्यूटोरियल की। तो आज हम सीखेंगे कि एल्टी स्पाइस को कैसे हम रन कर सकते हैं, कैसे इसमें स्कीमेटिक बना सकते हैं, कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, इसके बेसिक जो टूल्स है, जो बेसिक इसकी कमांड्स है, वो सब आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सर्किट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं फाइल से, तो आप यहाँ पर जाके न्यू स्कीमेटिक कर सकते हो। न्यू सिंबल, ये सिंबल का है, ये ओपन फाइल का, सेव का, ये सब बेसिक कमांड है। और प्रिंट क्लॉथ वगैरह, प्रिंट प्रीव्यू और सेटअप, ये सब बेसिक है। और ये जो है नीचे जो होता है, आप जितने भी आप स्कीमेटिक बनाओगे या जितनी भी फाइल ओपन करोगे, तो वो यहाँ पर इंडिकेट होती रहती है। तो इन और कुछ लिमिट होती है इसकी, ये कितनी फाइल होगी, कुल मिला के 15 फाइल होगी। तो इसमें स्टोर होती रहती है, एक के बाद एक पूरा ओल्ड वाली डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक, और न्यू वाली इसमें शो करेगी। तो आप यहाँ से भी आके कोई फाइल ओपन कर सकते हो। जैसे मैं ये फाइल ओपन कर दूँ, तो ये फाइल मेरी बहुत पुरानी बनी हुई है और ये इसमें अब तक पड़ी ही है। तो इसको आपको अपने फोल्डर में जाके खोलने की जरूरत नहीं होगी, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। और ये आपका एडिट वगैरह है, इसमें कुछ कंपोनेंट भी है कि आप आर करके रेजिस्टेंस कर सकते हो, ठीक है, आर प्रेस करके रेजिस्टेंस, ठीक है, और सी करके कैपेसिटर, सी क्लिक किया तो कैपेसिटर आप आ जाएगा। और तो ऐसी इसमें ये बहुत सारी, एल किया इंडक्टर, डी किया डायोड, तो ये और बहुत सारी कमांड है। और ये वायर ड्रॉ करने का है, और इसकी ये यहाँ पर टूल बार भी है इसके लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी ये कर सकते हो। पूरी टूल बार जो है इसके रिगार्डिंग ही है, तो टूल बार बेटर रहती है इससे। और हायरार्की में कुछ ज़्यादा इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आप नया सिंबल क्रिएट करना चाहते हैं, नया सीट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप ये सब यहाँ से ले सकते हो। नई सीट आ गई, ये पुरानी थी, ये वाली पुरानी थी, तो इसको आप क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे डिटेक्ट करके राइट क्लिक किया यहाँ पर और क्लोज कर दिया। तो हायरार्की में नया सिंबल और ये नई सीट और नया सिंबल आप क्रिएट कर सकते हो। और व्यू में क्या हो सकता है कि व्यू में आपका यही सब जूम इन जूम आउट वगैरह होगा। जब आप उसको टूल बार बंद करना, क्लोज करना, ये सब होता है व्यू में, जैसे कि और बेसिक सॉफ्टवेयर में होता है, जैसे एमएस ऑफिस वगैरह में। तो कुछ कमांड उससे मिलती जुलती है, ऐसी कुछ नई कमांड है जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और फिर इसमें आ जाते हैं सिमुलेट में, ये रन सिमुलेट का रन होता है, मतलब इससे सर्किट बना लिया आपने, फिर उसको रन कराना है तो यहाँ से रन हो जाएगा। जैसे कि रन इसको करा दिया, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ये हमने कंपोनेंट लिए, तो इसको यहाँ से कट करके ऐसे कट भी कर सकते हैं, कट का ये एक सीजर लेके, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर रन करता हूँ तो रन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वोल्टेज का प्रोब आ गया, तो यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हो कितनी वोल्टेज है, और करंट देख सकते हो, ये करंट का सिंबल है, ये वाला, ये करंट का सिंबल आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो ये करंट बता देगा, ये इधर देखो करंट बता रहा है कितनी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है। तो ये सिमुलेट करने का है। और ये एडिट कंट्रोल पैनल है, मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे एडिट करते हैं, कंट्रोल पैनल। और ये एडिट कमांड का है, एफिशिएंसी कैलकुलेशन की आपकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसमें टूल में आ गया, टूल में इनकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। और विंडो में, फिर आप विंडो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दो विंडो है अगर आपके पास, तो कैसे हम वर्टिकली हॉरिजेंटली डिस्प्ले करा सकते हैं, वर्टिकली डिस्प्ले करा सकते हैं, या कैस्केड में करा सकते हैं। और क्लोज एवरीथिंग भी है इसमें एंड, और इसका मैंने यूज नहीं किया, ये क्या है, तो इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी जो जो। तो हेल्प में वही सब सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग होता है, क्या करना है, शॉर्टकट की वगैरह आप देख सकते हो यहाँ से। तो हम सीधा सीधा एक नई फाइल लेते हैं, नया स्कीमेटिक, इसको हम क्लोज कर देते हैं या इसको रहने देते हैं, बाद में करते हैं। तो सिंपली हम एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस लिया है यहाँ से, ये सारी को
कुछ मैनमेन कंपोनेंट इसमें है, इसको हम रोटेट कैसे करेंगे? अगर हम इसको, ये वर्टिकल है तो इसको अगर हॉरिजॉन्टल रखना है तो कैसे करेंगे? इसी कंडीशन में आप कंट्रोल आर प्रेस कर दो तो ये इस कंडीशन में हो जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे तो वर्टिकल कंडीशन में हो जाएगा, कंट्रोल आर, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। तो हमें ऐसे रखना है। फिर हमने एक डायोड ले लिया, तो डायोड को भी हम ऐसे ही रखेंगे। फिर हमने क्या करना है, एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, यहाँ पर वोल्टेज देखो, ग्राउंड ट्रैक वायर और ये लेबल है ग्राउंड का, और ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये इंडक्टर का है और डायोड का है। कुछ कंपोनेंट के सिंबल यहाँ पर है जिनको आप डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन कुछ कंपोनेंट आपको लाइब्रेरी से लेने पड़ेंगे। जैसे आपको मॉस्फेट का सिंबल नहीं है यहाँ पर, ट्रांजिस्टर नहीं है, या कोई और जीनर डायोड SCR वगैरह नहीं है, तो वो आपको लाइब्रेरी से लेना पड़ेगा। लाइब्रेरी का शॉर्टकट ये है। तो यहाँ पर आप गए शॉर्टकट, यहाँ पर आपने डाला, पहले वोल्टेज सोर्स चाहिए हमें, तो वोल्टेज सोर्स डाल दिया, तो ये आ गया आपका वोल्टेज, वोल्ट डालते ही वोल्टेज आ गया। तो यहाँ से इसको आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसको सेट कर सकते हो। सेट कैसे करेंगे कि ये इस पर कर रखा तो ये हैंड का सिंबल आ जाएगा आइकन, तो इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आप DC बनाना चाहते हो तो उसको आप जितनी वोल्टेज आपको सेट करनी वो सेट करते, 12 डाल दिया मैंने। और सीरीज रेजिस्टेंस होता है, इसको भी आप डाल सकते हो ऐसे, नहीं भी डालो तो भी चल जाएगा, तो ओके कर दिया। तो अब कितने का हो गया, 12 वोल्ट का ही सोर्स हो गया, ठीक है। ये हमने DC सोर्स बनाया है। अगर हम इसको AC सोर्स बनाना चाहें तो तब क्या करेंगे, तब इसको सेम वैसे ही क्लिक किया, और फिर हम इसको यहाँ पर एडवांस में जा कर क्लिक करते हैं। एडवांस में क्लिक करेंगे तो हम, अभी ये DC सोर्स बना हुआ नन पे है, तो DC सोर्स बना हुआ है। अगर हम इसको और पल्स वाला सोर्स बनाना चाहें, वोल्टेज जनरेटर, पल्स जनरेटर, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर इसके फीचर्स अलग आ जाएंगे, आपको ये भरना पड़ेगा सारा, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वीडियो अभी बड़ी हो जाएगी। साइन वेव जनरेटर बनाना चाहते हो, वोल्टेज सोर्स बनाना, साइन वेव वोल्टेज सोर्स बनाना चाहते हो, तब उसको बना सकते हो। और एक्सपोनेंशियली बनाना चाहते हो तब बन सकता है। और ये वाला कभी मैंने यूज नहीं किया, तो इनकी मुझे कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ी, तो अभी मैंने ये सब अभी छोड़ देता हूँ, बाद में इनको बताऊँगा। मैन जो होता है आपका, वो DC सोर्स या साइन वेव सोर्स या कोई पल्स जनरेट करनी हो, मैनली ये यूज होते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही आगे की बात है, ये इतना जरूरत नहीं पड़ता। और फिर हमने DC सोर्स ही सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये DC सोर्स हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आते हैं ट्रैक, ट्रैक कैसे करते हैं। सो ट्रैक हमने ये ट्रैक का है, ट्रैक लिया यहाँ से और यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप एक सिंगल भी कर सकते हो। सिंगल मतलब आप इसको यहाँ से मिला सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, फिर यहाँ पर आए यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, और फिर यहाँ पर आए ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो मैं अभी बता देता हूँ। अगर तीनों कुछ कंपोनेंट आपको स्ट्रेट लाइन में है तो आप यहाँ से ट्रैक लीजिए, ठीक है। यहाँ क्लिक कीजिए, इसके उसमें यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए, तो एक ही लाइन में आपका सारा ये ट्रैक ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं होगी अगर एक ही लाइन में है आपके, अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइन में है तो उसमें तो करना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब हम क्या काम करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, तो रेजिस्टेंस पर कर्सर रखा और राइट क्लिक कर दिया, जब हैंड का आइकन आ जाए तो इसकी वैल्यू हम 10 ओम 100 ओम जितनी भी रखनी है, 10 के 100 के जितनी भी रखनी है या 1 के रख सकते हैं। यहाँ से टॉलरेंस आपकी इसकी 1% 5% दे सकते हो, और वाटेज आपकी इसकी दे सकते हो 2.5% जो भी है, तो इसकी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अगर और इसमें कुछ चेंज करना है तो आप दूसरा रजिस्टर की वैल्यू का सिलेक्ट करना है, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर इतने सारे रेजिस्टेंस है, आप इनमें से कोई रेजिस्टेंस सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर सकते हैं, तो 1.28 का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है।
वोल्टेज सोर्स का मैंने बता ही दिया। अब डायोड का देख लेते हैं। डायोड पर राइट क्लिक किया और इसमें सिंपल आपको डायोड लिखा मिलेगा, इसमें कुछ ऐसी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं। अगर दूसरा डायोड आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर पिक न्यू डायोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप दूसरा डायोड कोई सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा करंट का लेना हो या पार्ट नंबर, किसी पार्ट नंबर का लेना हो, तो इतने सारे इसमें पार्ट नंबर पड़े हुए हैं। शॉर्ट की डायोड भी है इसमें, जीरो डायोड भी है और सिंपल डायोड भी है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, डायोड का सिंबल एक ही रहेगा उसमें। आप शॉर्ट की डायोड भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जीनर डायोड भी सेलेक्ट कर सकते हो बाद में, और सिंपल डायोड भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको ओके कर दिया। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया हमारा, तो ये आ गया हमारा जीनर। शॉर्ट की डायोड सेलेक्ट हो गया था, हम इसको सिंपल डायोड ही रखते हैं, ये वाला सिंपल डायोड सिलिकॉन। ठीक है, तो अब हम इसको अगर रन करें, पहले मैं आपको ये टूल बार बता देता हूँ। ये भी टूल ऐसे ही है, इससे क्या होता है, इसको आपको नया स्कीमेटिक मिल जाता है, नया स्कीमेटिक पेज इससे आपका ओपन होता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप ओपन करना चाहे किसी ड्राइव में जाके, ठीक है, इससे सेव होता है। इससे ये कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल जो सेटिंग वेटिंग होती है, इसमें आप जाके वेवफॉर्म की सेटिंग वगैरह ये कर सकते हो। ठीक है, और ये रन का होता है सिमुलेशन करने का, और ये इतना यूज नहीं होता, ये इसका पता नहीं, इसका यूज नहीं होता है, पता नहीं क्या यूज होता है इसका, ऐसे तो बिना उसके भी हो जाएगा। इसका यूज पता नहीं क्या होता है, यू काम ही नहीं करता है, कब करना है हेल्ट। अच्छा, जब रन हो रहा हो और इसको हेल्ट कर देते हैं, इसका यूज बाद में करेंगे। और इस ये जूम इन है आपका, जूम इन का आप कर सकते हो, फिर जूम आउट हो गया। कंट्रोल से भी आप कर सकते हो, कंट्रोल कंट्रोल को प्रेस किया और वो माउस को घुमाया, ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर ये आपका, अगर आपका सर्किट गुम हो गया है, मतलब लॉस्ट हो गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर प्रेस कर दो, आपका फुल विंडो में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला भी शायद सिमुलेशन पे यूज होता है, ये इसको सिमुलेशन पे करेंगे, मैंने तो अभी किया नहीं है जी, क्या यूज होता है इसका पता नहीं। कुछ जो आपके जो बटन है वो यूज ही नहीं होते। और ये वाला जो है वे टाइल विंडो में आता है, इसमें जब दो विंडो खुलेगी तो आप इसको ऐसे खोल सकते हो, अगर आपके दो स्कीमेटिक खुले हुए हैं तो आप दोनों एक साथ खोल सकते हो। तो ये अगर आपके तीन स्कीमेटिक खुले हुए तो तीनों आ जाएंगे यहाँ पर एक साथ, ठीक है, ये भी होता है इसमें। और फिर इसको बंद करते हैं, इसको चलाते हैं, ठीक है। और ये आप इसको ऐसे करना चाहे या फुल पेज पर करना चाहे तो वो ये उसके लिए होता है। फिर आप जाके यहाँ पर फुल पेज कर दो। और ये इनकी आपको इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। और फिर ये आपका सीजर है कट करने का, कोई भी आप ट्रैक अगर कट यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो लेफ्ट क्लिक, और इसको ले आओ। कोई भी ट्रैक की डिलीट करना हो या कोई कंपोनेंट डिलीट करना हो या पूरा सर्किट डिलीट करना हो तो इसको यहाँ पर रखो और लेफ्ट क्लिक करो, प्रेस करके रखो और ट्रैक कर दो, ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एंडो भी इसमें है, अगर अब एंडो लाना है तो एंडो भी है, ये वाला एंडो है। और सीजर हो गया, ये कॉपी का है, अगर आपको कॉपी करना है, ठीक है, तो इसको कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी करो लेके इसको कॉपी कर सकते हो, या पूरे सर्किट को कॉपी करना है तो ऐसे लेफ्ट क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, तो ये पूरा यहाँ पर सर्किट आपका कॉपी हो जाएगा दूसरी जगह, ये देखो, ठीक है। फिर एस्केप दबा दिया कमांड को ख़त्म करने के लिए, ठीक है सर। फिर इसको डिलीट भी कर दिया डायोड को। अब ये कॉपी का हो गया, ये कॉपी पेस्ट का हो गया। अगर आप कॉपी पेस्ट, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, उससे ही हो जाता है। आप यहाँ से कॉपी करो और उठाओ इसको और यहाँ पर रखो, तो पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सीधा सीधा ऐसे ही हो जाता है। तो इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें एक सर्किट रखना है। फिर इसको दूरबीन से, अगर आप कोई कंपोनेंट देखना चाहते हो, R1 मान लो देखना चाह रहे हो, तो ये इसको यहाँ पर
माइक्रोस्कोप पे क्लिक किया और ये विंडो आपकी खुल जाएगी, और आर वन यहाँ पर डाला तो ये दिखा देगा, कोई भी कंपोनेंट हाईलाइट करके दिखा देगा। डायोड पे डालोगे डायोड वन तो वो दिखा देगा। ये उस केस में होता है जब आपका सर्किट बड़ा होता है और आप कोई कंपोनेंट सर्च करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको ये दिखा देगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका प्रिंट सेटअप वगैरह आ गया। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं प्रिंट का, फिर प्रिंट लेना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। ठीक है, अब इसका ये जाता नहीं है, ये जाता कैसे है ये समझ नहीं आता। अगर ये एक बार आ जाता है तो फिर ये डिलीट नहीं होता, ये इसमें प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर, इसके बिहाइंड हमारा एंडो और रीएंडो हाइड हो गया, तो हमें दूसरा ही वो लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ठीक है, ये फिर हमारा ट्रैक पे आ गया, ये हमारा ट्रैक का है, इससे आप ट्रैक ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने पहले आपको। फिर क्या काम करते हैं, ये ग्राउंड का है, इसमें ग्राउंड लगा देते हो, लगा सकते हो, इसमें दो ग्राउंड मिलेंगे आपको, दो ग्राउंड आप लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला ये ग्राउंड का ऑप्शन है, एक ये ग्राउंड हो गया, एक ये ग्राउंड हो गया, तो इससे दो ग्राउंड लगा सकते हो, लेवल भी लगा सकते हो इससे। और फिर ये कंपोनेंट हो गया आपके जो पहले मैंने बता ही दिए। फिर ये हैंड का क्या, ये लाइब्रेरी होगी। फिर हैंड का क्या होता है, हैंड का आप कोई भी एक कंपोनेंट शिफ्ट करा सकते हो। ठीक है, इससे ये कंपोनेंट शिफ्ट करा दिया, इसको यहाँ पर लाए तो ये शिफ्ट हो गया, विदाउट ट्रैक के हो जाता है। लेकिन दूसरा हैंड क्या है, दूसरा हैंड जो होता है वो आपका वो ट्रैक के साथ कंपोनेंट शिफ्ट होगा। जैसे आप इस कंपोनेंट को शिफ्ट करना चाहते हो तो ऐसे आप जगह, आपको जगह बनानी है सर्किट में तो आप उसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, आपको पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी दोबारे से, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि आपको अगर पूरा शिफ्ट कराना है तो आपको ये ऐसे कर दो, राइट क्लिक किया और ड्रैग कर दो, तो ये वाला पोर्शन आपका शिफ्ट हो जाएगा जितने भी उसके रेक्टेंगल के अंदर आएगा, तो इसका ये यूज है। और इसका आपका रेंडो का है जो आपने बैक करने का, फिर इसके पीछे ही वो आपका छुपा है अंडो करने का, एंडो और रीएंडो करने का। ठीक है, तो अब इसको सिम्युलेट करके देख लेते हैं। इतने सारे मैंने आपको बता दिए हैं, इतना ही यूज होता है बस। अब इसको हम सिम्युलेट करके देख लेते हैं कि रन करके देख लेते हैं, फिर कुछ और बताएंगे। इसमें 12 वोल्ट दिया हमने, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कितनी वोल्ट आ जाएगी वो मेजर करके देख लेते हैं। तो ये जैसे आप रन करोगे तो ये विंडो आपकी ओपन होकर आएगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि आप कहाँ से कितने टाइम तक देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं 10 मिली सेकेंड तक देखना चाहता हूँ ये सिग्नल इसका, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 10 मिली सेकेंड। ठीक है, या 1 सेकेंड तक देखना चाहते हैं तो उसकी उतनी विंडो आ जाएगी। मैं आपको दिखाऊँगा ये सब, इसमें और कुछ इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब मैं बाद में बताऊंगा कि ये अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। और मोस्टली आपको एसी की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादातर, एसी की भी पड़ सकती है, एसी की भी पड़ती है, लेकिन एसी वो इसमें ही आ जाती है, इसमें ज़्यादा जाने की, अंदर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक कर दिया तो ये सिमुलेशन की विंडो ओपन होगी। अब क्या काम होगा इसमें, हम इसमें वोल्टेज और करंट देख सकते हैं, कितनी कहाँ कितनी वोल्टेज है और कहाँ किस कंपोनेंट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ये हमारी जो प्रोब, हम कर्सर यहाँ लाएंगे तो ऐसा आपका ये बन जाएगा प्रोब टाइप, तो इससे आप वोल्टेज, ये वोल्टेज प्रोब है तो इससे आप वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वोल्टेज है। तो यहाँ पर बता दिया इसने 11.99 12 वोल्ट के लगभग वोल्टेज आ रही है। ठीक है, और अगर हम करंट देखना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पर हम रखते हैं और ये करंट का ऐसा सिंबल आ जाता है, तो इससे हमें करंट का पता चल सकता है। ऐसा सिंबल आ गया, फिर कलर लेफ्ट क्लिक कर दो तो ये हमें हमारी इधर करंट आ गई। ठीक है, अगर इसको और आप सिंगल वे में देखना चाहते हो तो दोबारा अगेन आप यहीं पे क्लिक कर दो तो ये सिंगल वे में यहाँ पर करंट दिखाएगा। फिर ये देखो सिंगल वे में, डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पर, यहाँ सिंगल वे डिस्प्ले में दिखाएगा। ठीक है, अब हम वोल्टेज देखना चाहते हैं इस पॉइंट की, तो यहाँ पर
वोल्टेज पे, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, वोल्टेज दिखा देगा, ठीक है। और दोबारा अगर डिलीट कर दिया तो वो सिंगल सिंगल वोल्टेज ही दिखाएगा, एक ही डिस्प्ले एक ही पैरामीटर दिखाएगा। और करंट देखनी हो तो करंट, ठीक है। तो ये ऐसा ये सर्किट हमारा चलता है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर हम सिमुलेट हेल्ट करना चाहे तो इससे हम हाल्ट कर सकते हैं। इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, पता नहीं इसका क्या यूज है, बंद भी नहीं हो रहा। स्टॉप दी करंट सिमुलेशन यहाँ पर लिखा आ रहा है, इसको प्रेस करने से तो इससे सिमुलेशन स्टॉप कर सकते हो। अब इसमें अगर आप ये हॉरिजॉन्टल में है दोनों, जो हमारे स्कीमेटिक और ये सिमुलेशन विंडो है, अगर आप इसको वर्टिकल में करना चाहो तो आप वर्टिकल में जा सकते हो। अभी हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पर वर्टिकल प्रेस कर दो तो ये वर्टिकल में हो जाएगी दोनों, ठीक है। फिर आप अगर हॉरिजॉन्टल में जाना चाहो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा दोबारा। अभी पीछे इसके नीचे आ गया। और बाकी अगर ये प्रेस करना चाहो तो इससे क्या होगा, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इनकी ज़्यादा कोई खास इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, मैंने तो कभी किया ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ट्यूटोरियल। और अगर आप इस डिज़ाइन को सेव करना चाहते हो तो किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, सेव एज में जाके, और कोई भी आप ये ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो और नाम दे सकते हो डिज़ाइन का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डिज़ाइन मेरा ट्यूटोरियल जो डिज़ाइन का वो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी मेरी इसी पे होगी और वो इंग्लिश में होगी, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर जो है वो इंग्लिश की डिमांड करते हैं कि आप हिंदी में वीडियो ना बनाइए, इंग्लिश में वीडियो बनाइए, इंग्लिश में भी वीडियो बनाइए। तो सेम वीडियो मेरी नेक्स्ट डे आती है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो मेरी इंग्लिश में होगी। थैंक यू।